हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अजमेर शरीफ दरगाह जो कि अंदरकोट का मार्केट है उसका नज़ारा बताएंगे। अभी मतलब नाइट के टाइम किस तरीके का यहाँ का नज़ारा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है अजमेर शरीफ पूरा खुल चुका है और यहाँ पर मार्केट वगैरह की रौनक वापस लौट आई है, तो आपको यहाँ का पूरा नज़ारा बताने की मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि पूरा तो नहीं, मतलब मैं यहाँ से नल्ला बाजार जा रहा हूँ जो कि अंदरकोट का नज़ारा है। अभी अंदरकोट का सीन देख सकते हो आप, जो कि तारागढ़ कच्चे रास्ता जाने का रास्ता है। तो अभी हम नीचे की ओर चल रहे हैं, ढाई दिन का जो झोपड़ा है उससे नीचे की ओर अभी हम चल रहे हैं। तो ये पूरा मार्केट है अभी अंदरकोट का। अभी धीरे धीरे रौनक आ रही है और जैसे ही अभी जितनी भी ट्रेन है अभी बंद है, वह सभी ट्रेन अगर स्टार्ट होती है तो यहाँ की रौनक और भी अलग हो जाएगी, मतलब पहले का जैसा माहौल हो जाएगा। धीरे धीरे अभी आ रहा है, सभी माहौल देख सकते हो आप किस तरीके से उठाव आ रहा है मार्केट में। लेकिन अभी फिर भी गिराकी नहीं है, जब तक ये जो ट्रेन अभी बंद पड़ी है वह स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हर कोई जो अभी स्पेशल ट्रेन चल रही है उसका किराया बहुत ही ज़्यादा है, तो हर कोई यात्रा नहीं कर सकता, हर कोई अजमेर से नहीं आ पा रहा अभी किसी न किसी कारणवश। जैसे कि अभी बसों का किराया ज़्यादा है तो उसी कारण अभी आ नहीं पा रहा। जब ये लोकल ट्रेन है जब स्टार्ट हो जाएगी, अभी फ़िलहाल प्राइवेट जो है जैसे कि बसें प्राइवेट चल रही है, रोडवेज बसें जो अधिकतर सभी जगह से चालू नहीं हुई है, तो प्राइवेट बसों का किराया अभी भारी पड़ रहा है। इस कारण अभी थोड़े जायरीन जो मेहमान है वे अभी बाहर से नहीं आ पा रहे। लेकिन अभी मार्केट का देख सकते हो उठाव तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी जब तक यहाँ का माहौल ऐसे ही बना रहेगा। और धीरे धीरे अभी जैसे कि भीड़ कम है, लेकिन आम दिनों में आपको मालूम है पैर रखने तक की जगह नहीं। अभी तो हम यहाँ से बाइक से निकल रहे, लेकिन पहले ये होता था कि हम बाइक से भी यहाँ से नहीं निकल पाते थे, इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पर। तो आप ये मार्केट का नज़ारा देख सकते हो पूरा खुल चुका है, यहाँ पे पूरा नज़ारा। अभी आगे चलते हैं, दरगाह का जो मेन गेट है वहाँ तक चलेंगे, वहाँ से नीचे थोड़ा नल्ला बाजार का मार्केट भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि अभी आपको अजमेर शरीफ दरगाह का जो मेन दरबार का गेट है जैसे कि बुलंद दरवाज़ा, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर दिख रही है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे मतलब ये नंबर सेव कर लो, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं जो भी मैसेज करोगे आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आपको जो ज़रूरी है वही मेरे से पूछना, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आए हुए रहते हैं मेरे पास व्हाट्सअप पे, तो मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो आप सेव कर लीजिए, अगर मैं व्हाट्सअप पे कुछ भी स्टेटस लगाकर आपको जानकारी देना चाहूँगा तो मैं आपको दे दूँगा। तो व्हाट्सअप नंबर मेरे सेव कर लो और आपके नाम के साथ मेरे को मैसेज कर दो, ताकि मैं अपने मोबाइल में सेव कर लूँ। तो दोस्तों, अभी ये मार्केट का नज़ारा है अजमेर शरीफ दरगाह का जो मेन गेट है वहाँ का नज़ारा बता रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है अजमेर शहर से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर आते रहते हैं, कोई भी मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलती तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है। तो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लेना, इससे ये होगा कि अगर कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वही वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, ये मेन रोड है जो कि दिल्ली गेट जा रहा था, और अभी हम नल्ला बाजार के लिए उतरे, तो यहाँ का भी अभी मार्केट का नज़ारा देख सकते हो किस प्रकार का है। धीरे धीरे उठाव आ रहा है मार्केट में, और बहुत ही अच्छा हुआ आने वाले टाइम में जो अभी फरवरी से ओस लगने वाले यहाँ पे एकदम माहौल चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आप आराम से आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई जने मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि रेलवे स्टेशन में क्या सैंपल लिए जा रहे हैं क्या, लेकिन दोस्तों कुछ भी सैंपल नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आगे स्क्रीनिंग होगी, बाकी सैंपल कुछ नहीं लिया जा रहा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से आइए, याद करिए जो भी अभी स्पेशल ट्रेनें चल रही है, जैसे कि दो अहमदाबाद ट्रेन है और मुंबई बांद्रा ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, सालदा जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से स्टार्ट हो चुकी है सालदा एक्सप्रेस, तो आप आराम से आ सकते हो। ये पूरा अभी मार्केट का नज़ारा है। दोस्तों, कमेंट करना और आपको अजमेर शरीफ से रिलेटेड कहाँ का वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। और जो अभी सस्ते होटल गेस्ट हाउस बोल रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा, अभी मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा उनके ऊपर भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी स्क्रीन पे भी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो। और किसी होटल गेस्ट हाउस वाले को अगर वीडियो अपलोड करवाना तो मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।